भाई साहब कंगना रनौत ने अपना पार्लियामेंट्री कार्यभार थोड़ा देर के लिए साइड में रखा है और उन्होंने ट्रेलर रिलीज कर दिया है फाइनली इमरजेंसी का, जिसमें वो इंदिरा गांधी का किरदार निभा रही हैं। आयरनी देखो भाई, राहुल गांधी को कैसे फेस करेंगी वो। बट खैर, इसमें हमें बहुत कुछ दिखाया जाता है जो कि जितने मैंने बुक्स पढ़े हैं इमरजेंसी पे और अगर तुमने वीडियोस वगैरह देखे होंगे तो मोर और लेस सच है। मतलब इट्स नॉट लाइक एग्जैक्ट ट्रू, क्योंकि ऑब्वियसली अगर बायोपिक बना रहे हो तुम तो कुछ चीज़ें मर्यादा में तुम्हें रखनी होती है, क्योंकि इवेंचुअली ये इंडिया है और यहाँ पे प्रोटेस्ट हो जाता है। बाकी अगर तुम देखो तो ट्रेलर में बहुत कुछ है जो कि देखने लायक है। मूवी की अगर कास्ट की बात करें तो बहुत ही सॉलिड स्टार कास्ट है। इसमें हमें नजर आती है कंगना रनौत एज इंदिरा गांधी, अनुपम खेर एज जयप्रकाश नारायण, श्री स्थल परे एज अटल बिहारी वाजपेयी, अशोक छाबड़ा एज मुरारजी देसाई, महिमा चौधरी एज पपुल जयकर जो कि बहुत ही क्लोज फ्रेंड और उन्होंने एक किताब भी लिखी है उस पर। उसके बाद मिलिंद सुमन जो है वो हमें नजर आते हैं अपने मानिक सौ के किरदार में। फिर हमें नजर आते हैं विशाख नायर जो कि संजय गांधी का किरदार निभा रहे हैं, और भी काफी कलाकार हैं इसमें आगे पीछे, जिसमें से एक लेट सतीश कौशिक जी भी हैं जो कि जगजीवन राम का किरदार निभा रहे हैं और ये शायद लास्ट बार होगा जिसमें हम मतलब देखेंगे उनको साथ में। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उन्होंने कितना प्रोजेक्ट करके रखा हुआ था कि अभी तक उनकी मूवीज आ ही रही हैं। ट्रेलर इमरजेंसी एरा पे बेस्ड है। जिन लोगों को नहीं पता है, इस टाइम पे अगर तुम नए हो तो ये वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल एरा ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी बताया जाता है, क्योंकि इसमें हुआ क्या था कि एक डिक्टेटरशिप लागू कर दी गई थी मोर ऑफ लेस लाइक संजय गांधी के द्वारा, देन इंदिरा गांधी के द्वारा। लोग ऑब्वियसली वहाँ पे वो प्राइम मिनिस्टर थी तो उनका भी हाथ था, बट हुआ क्या था कि तुम मतलब प्रिंटिंग प्रेस पे बंद कर ताले लगा दिए गए थे, कोई मीडिया कोई रेडियो नहीं काम कर रहा था, लोग मतलब अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पा रहे थे, इतना तक कि अगर पॉपुलेशन को रोकना या कंट्रोल करना होगा तो वो नसबंदी भी करवा दे रहे थे बिना मतलब किसी का परमिशन लिए हुए, विच इज़ वेरी वेरी मतलब अनडेमोक्रेटिक, अगर तुम वर्ड यूज करना चाहते हो तुम, ये हॉरिफाइंग ब्रूटल थिंग टू डू। बहुत कुछ हुआ था जो कि मतलब अगर तुम किताबें आर्टिकल्स में पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि सिखों के साथ क्या हुआ था, उसके बाद से खालिस्तान की स्टार्टिंग भी वहीं से उठी थी। फिर हमें ये भी दिखाया जाता है कि मतलब संजय गांधी ने दिल्ली में बहुत सारे बस्तियों को जला दिया था फॉर लाइक डूइंग मतलब ऐसा उनको प्रोजेक्ट तैयार करने थे अपने। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी आर्टिकल्स तुमको मिल जाएंगी और बहुत सारे वीडियो तुमको प्रूफ के साथ मिल जाएंगे। मैं एक रेफरेंस दे रहा हूँ कि कितना ब्रूटल एरा था वो, जाकि ताकि तुम्हें एक मतलब मूवी का आइडिया लग जाए कि किस बेसिस पे मूवी बन रही है और क्या कुछ तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर एक्टिंग की बात करें तो आई डोंट थिंक कि कंगना रनौत मतलब एक बुरी एक्ट्रेस है, आई सी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस। मतलब इंसान और उनके विचारधाराओं पे तुम्हारा अपना एक ओपिनियन हो सकता है, वो सब इंटाइटल है उस चीज़ के, बट एक्टिंग के मामले में सी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस मतलब इंडिया हैज। खैर, अब जब अगर ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर में हमें दिखाया जाता है वही सारी चीज़ें। इंदिरा गांधी के किरदार में कंगना रनौत काफ़ी शूट कर रही हैं और श्री स्थल पर भी काफ़ी ही अच्छे लग रहे हैं। मतलब आई थिंक पंकज त्रिपाठी हैज़ डन अ बेटर जॉब, लेकिन इट इज़ टू अर्ली टू जज, क्योंकि भाई अभी तो उनकी मतलब पूरी परफॉर्मेंस देखी भी नहीं है हमने श्री स्थल पर की। और अनुपम खेर इज़ डूइंग व्हाट ही डज, लाइक ही इज़ ऑलवेज द बेस्ट, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। ही इज़ वन ऑफ द मतलब ब्रिलियंट एक्टर्स जो समझता है कैरेक्टर को किस तरह से प्ले करना है। तो आई थिंक कि कास्टिंग के मामले में इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। बाकी जो इंटेंसिटी लग रही है वो काफ़ी तगड़ी इंटेंसिटी से मूवी चलेगी, क्योंकि इसमें बहुत कुछ होता है। इट्स लाइक कि संजय गांधी के डेथ से लेकर के खालिस्तानी मूवमेंट तक, प्रोटेस्ट वगैरह छोटे छोटे गांव में कैसे हुआ था, जयप्रकाश नारायण ने कैसे मतलब एक अलग ही आंदोलन स्टार्ट कर दिया था जिनको इमरजेंसी का गांधी जी भी बोला जाता है। उस दौरान उन्होंने मतलब जो गांधी जी का किरदार था निभाया था। और जिन लोगों को नहीं पता है, जयप्रकाश बाबू ने अपना मतलब राजनीतिक जो ओपिनियंस हैं वो सारे साइड में रख दिए थे, जो कि मतलब अगर इंडिपेंडेंस के टाइम की बात करो तो गांधी जी के वन ऑफ द क्लोजेस्ट पर्सन में से वो आते थे। बट उसके बाद उन्होंने ये सारी चीज़ साइड में रख दी और वो अपना एक क्षेत्र में जाके बस गए थे। बट इसमें इस दौरान इतना कुछ हो गया, इतना मतलब स्थिति इतनी भयावह हो गई थी कि उनको वापस आना पड़ा, उनको फिर से वो आंदोलन में शामिल हुए और फिर से उन्होंने सत्ताभार संभाला। और यही टाइम था कि पहली बार कांग्रेस की सरकार गिरी थी और कोई और सरकार मतलब इसमें आया था, पावर में आया था।
बाकी उसके बाद डिटेलिंग तुम इमरजेंसी वगैरह में जान लो, बट इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर तुमने नहीं जाना है, तुम उन लोगों में से हो जिनको नहीं पता है, तो तुम अपने पिताजी दादाजी से पूछ सकते हो, वो कहानियाँ बताएंगे तुम्हें। तो ट्रेलर काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बहुत टाइम से डिले हो रही थी ये मूवी, फाइनली अब रिलीज़ हो जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। तुम्हें ट्रेलर कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, तुम्हारा ओपिनियन बहुत ज़्यादा मैटर करता है मेरा भी पर्सपेक्टिव थोड़ा सा खोलने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करो, टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे। मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में किसी और मज़ेदार व्यू के साथ, तब तक के लिए अपना और अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।